अरे बेटा त्योहार का दिन है, उठ जाओ नहा लो, मंदिर वंदिर जाओ, पड़े हुए हैं त्योहार के दिन पे। एक कुंभकर्ण राम जी मार दिए, दूसरा हमारे घर पे पैदा हो गया है। अरे सुनो, ऑफिस से मिठाई मिली है, मिश्रा जी के यहाँ पकड़ा दो। अरे नहीं, फ्रिज में दो डब्बे पड़े तो हैं, बच्चा कोई नहीं खाता। अरे पनीर कौन लाएगा रात की सब्जी के लिए? अबे सुन, रात का कोई इंतजाम है क्या? बाप की बोतल से निकाल लेना अपनी, पानी मिला दे तू, उनको कौन सा पता लगता है। ए सक्सेना, ए तुम्हारा लड़का हमारे स्कूटर के नीचे बम बुला दिया। ए कमला ताई की कान फट गया हमारी। नमस्कार आदाब, वेलकम एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली का टाइम, दिवाली की वाइब, दिवाली का फेस्टिवल, मतलब हो गए ना, घर की सफाई वफाई हो गई, कपड़े अपड़े धुल गए, घर पे मटर पनीर बन रहा ना। देखो एक्साइटमेंट तो है ना, क्योंकि दिवाली अलग ही त्योहार होता है। दिवाली का जो मौसम होता है, द वाइब होती है, फेस्टिव सीजन होता है ना, वही होते ना जिंदगी के कुछ खुशी के पल। इसलिए एपिसोड के एंड में ना कुछ दिवाली के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ऐसी बस एंगेजमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं कि एंड में देखना, सही में दिवाली के बारे में बात करेंगे। फिलहाल पटाखा फोड़ते हुए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की कलेश कंट्रोवर्सीज के साथ। पहला कंट्रोवर्सी देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। एक देश है यूके, जिसने आके हम पे राज किया था ना, हाँ वही फिरंगी लोग। उनके देश की प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस। नाउ वी कैन अग्री की बहुत अजीब नाम है ये। यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने अपनी खराब इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो आउटरेज हो रहा था उसको देखते हुए सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। तभी कहता हूं मार्केट में नौकरियों की किल्लत है, या प्राइम मिनिस्टर 2 महीने नहीं टिक रहे और आपको लग रहा है आपकी जॉब टॉक्सिक है। एनीवे, लिस्टर्स के जाने की वजह थी उनकी हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें उन्होंने अपने कंट्री में बहुत ज्यादा स्तर पर एक टैक्स रिबेट्स दिए थे, यानी टैक्स में छूट दी थी, जिसके बाद सरकार की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई थी। बाकी जो नेशनल करेंसी है पाउंड, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई और इन्फ्लेशन उल्टा पड़ गया और सरकार को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके बाद पब्लिक आउटरीच के बाद लिस्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और अब यह माना जा रहा है कि ऋषि सुनक, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी हाल ही में दावेदार भी थे, अब इनके अगले सक्सेसर बन सकते हैं। मतलब सोचो ये कितना फैसिनेटिंग है कि किसी नेता की पॉलिसीज ने देश की इकोनॉमी गोड़ दी और वहां की जनता उनसे जवाब मांग रही है। अखंड ब्रिटेन भी मांग सकते थे वो। अबे बीबीसी ने मास्टर स्ट्रोक नहीं बोला इसको, बड़े फिरंगी ना ऐसे होते ही ऐसे, सही बता दिया हमने इनको। दूसरी कंट्रोवर्सी के लिए आपको थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। दरअसल गुजरात में इस टाइम पे आने वाले हैं वहां के असेंबली इलेक्शंस, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जोर लगा रही है और साथ ही में आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, जिनसे आजकल सीबीआई और ईडी थोड़ी गुलू गुलू कर रही है। अब इसी बीच कॉन्ट्रोवर्सी तब हुई जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया जी को भगत सिंह से कंपेयर कर दिया। फिर क्या था, कांग्रेस और आप में तो ठन गई। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि आजकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका एक ट्रेंड बन गया है कि वो एक फ्रीडम फाइटर को अपनी पार्टी का सिंबल बना लेते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने नेहरू जी और गांधी जी की लेगेसी पे कब्जा कर रखा है, बीजेपी इज बेटिंग ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सावरकर जी, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी अब भगत सिंह को अपना आइडल बना रही है। ऐसा आप देख भी सकते हैं कि अपने सरकारी ऑफिसेज में सब पीछे कर करके उन्होंने भगत सिंह की इमेज लगा रखी है। बेसिकली हर पार्टी की हर मूव के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। बहुत शातिर लोग हैं ये चालाक, और आपको लगता है कि हम गधे। चलो फटाफट इस हफ्ते की न्यूज की बात कर लेते हैं। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इस हफ्ते फाइनली कांग्रेस पार्टी को गांधी के अलावा उनका अगला प्रेसिडेंट मिल गया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। अबे शेरावत नहीं, अर्जुन तुम्हारी। मल्लिका अर्जुन खड़गे इस हफ्ते चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के अगले पार्टी प्रेसिडेंट। अगर आपको नहीं पता ये कौन है तो ये कर्नाटक से आते हैं, काफी वरिष्ठ नेता है, 50 साल से लंबा इनका पॉलिटिकल करियर रहा है और अक्रॉस द पार्टी इनको काफी माना जाता है। एंड दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर कांग्रेस पार्टी। अगर देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस टाइम खड़गे साहब पर। एज पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के पास कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। फॉर वन ये कि अभी पार्टी को नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ अपनी इमेज रिपेयरिंग के तौर पर। दूसरा है कि पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो भी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। 2 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं और कुछ ही टाइम में नेशनल इलेक्शन भी आ रहे हैं लोकसभा के। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मतलब अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बताऊं तो ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड कप के जस्ट पहले नया कैप्टन आया है। और राहुल बाबा तो आजकल फुल सन्यासी लुक में आ गए भैया, वो भारत जोड़ो यात्रा करेंगे ऊपर तक, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो वहीं के वहीं हिमालय।
अगली खबर हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अब हमारे देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। इनके पहले जस्टिस यूयू ललित हैं जो अभी चीफ जस्टिस हैं और वो अगले महीने नवंबर में रिटायर कर जाएंगे, जिसके बाद चंद्रचूड़ जी कमान संभालेंगे। नाउ इफ यू डू नॉट नो हु जस्टिस चंद्रचूड़ इज, अगर आप किसी लॉ वाले बंदे से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। कई सारे ऐसे रिसेंट में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो इन्होंने दिए हैं, विच इंक्लूड्स आर्टिकल 377, राइट टू प्राइवेसी, सबरीमाला वगैरह वगैरह। मतलब सर जी का रिज्यूमे है बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत लगाना, बट भाई में स्वैग तो है। आप गेस करोगे कि इनकी एज कितनी है? He's 62 years old. To put that into perspective, अमित शाह से 5 साल बड़े हैं ये। He's 60 and he looks like the elder brother of Rishi Sunak. अच्छा, आप में से कोई लॉयर हो, इनका हेयरिंग हो ना, तो उनसे कहना माय लॉर्ड केस थोड़ा बाद में, क्या आप अपना पहले स्किन केयर रूटीन बताओ। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी दिक्कत बता देता हूं, मारना मत। हुआ यूं है कि ओमिक्रॉन वायरस का BF.7 वेरिएंट, जो काफी इन्फेक्शियस बताया जाता है और आजकल मंगोलिया और चाइना के जैसे देशों में फैल रहा है, उसके इंडिया में भी केसेस निकल गए हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि हो सकता है कि दिवाली के बाद एक फ्रेश वेव आ सकती है। मैं नहीं बोला हूं, एक्सपर्ट्स ने बोला है। अभी को एक बात तो माना कि दिवाली के बाद मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, तो उसमें क्या कोरोना भी अपना काम कर ही ले, बट नहीं यार प्लीज, एक और वेव नहीं भगवान, मैं सोन पपड़ी खा लूंगा। अच्छा लेडीज, द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर यू। आप में से हेयर स्ट्रेटनिंग कौन कौन कराता है? अगर आप करवाते हैं और आप काफी फ्रीक्वेंट करवाते हैं, देन यू माइट वांट टू गिव इट अ सेकंड थॉट। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक स्टडी कंक्लूड की है और हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल प्रोडक्ट्स को इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर से एसोसिएट किया है। यानी कि अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कुछ कैंसर्स हैं जिनका रिस्क आपके लिए थोड़ा बढ़ जाता है। पहले ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर से लिंक किया था और अब यूटरिन कैंसर के भी चांसेस बढ़ गए हैं, ऐसा बोला गया है। तो देखो, आई अंडरस्टैंड, बाल स्ट्रेट, एथनिक, दिवाली मौसम, बूमरैंग बड़ा अच्छा बनेगा, बट थोड़ा संभाल कर। अगली खबर है MBBS को लेकर, यानी कि डॉक्टर, यानी कि मुन्ना भाई मैं थोड़ा दिवाली की वजह से ना एक्साइटेड हूँ। MBBS यानी कि डॉक्टर्स की फील्ड के बारे में इस हफ्ते एक काफी बड़ा बदलाव किया है। एंड ध्यान से सुनना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने MBBS कोर्स की 3 किताबों का हिंदी वर्जन लॉन्च किया है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। दरअसल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे MBBS डिग्री की पढ़ाई हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो सके, जिससे होगा क्या कि एजुकेशन थोड़ी और डेमोक्रेटाइज होगी और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग हैं वो भी MBBS की डिग्री को कंटिन्यू कर पाए। अच्छा, हो सकता है कि मेरी तरह आप में से कई लोगों को नहीं पता हो कि जो MBBS की डिग्री है वो ज्यादातर इंग्लिश में होती है। इंग्लिश सेंट्रिक कोर्स होता है, इंग्लिश सेंट्रिक टीचर्स होती हैं, इंग्लिश सेंट्रिक किताबें होती हैं और अंग्रेजी में पूरा सिस्टम चलता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, तो उस सेंस से तो एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि इससे पढ़ाई थोड़ी और डेमोक्रेटाइज होगी और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा MBBS पढ़ पाएंगे। बट दिस इज वेर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब इस डिसीजन पे मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ली गई तो उनके ओपिनियंस काफी मिक्स्ड आए। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इसके बारे में सेकंड थॉट्स भी रख रहे थे और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफी वैलिड है। कुछ का कहना है कि जो MBBS डिग्री में कुछ सारे जार्गन्स हैं उनको अंग्रेजी में समझना जरूरी है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंग्लिश में सेट की गई हैं, एक इंटरनेशनली एक अंग्रेजी की शब्दावली है। फिर एक ये कि ये चेंज जो हुआ है वो अभी एक ही स्टेट में हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो इस जो डिग्री से ग्रेजुएट होकर डॉक्टर जाएंगे वो किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? तो हालांकि ये एक बोल्ड मूव है, लेकिन इसको लेकर व्यूज कई तरह के अलग अलग हैं। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो आप अपना व्यू कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बट देखो, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखो तो बीजेपी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने पहले ही से कहा था कि वो एक हिंदी को ज्यादा हर जगह पुश करेंगे, तो वो तो अपनी लेन में चल रहे हैं। लेकिन इसमें भी ना कभी कभी कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि सुन के लगता है कि सर देखो बाकी सब मान लिया बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, भैया देखो किताबें तो ट्रांसलेट हो ही रही है, क्यों ना आप अपना प्रिस्क्रिप्शन भी हिंदी में लिखो। देखो, नो डिसरिस्पेक्ट सर, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि यार देखो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग में अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती, हिंदी तो सोच के देखो, एजिथ्रोमाइसिन हिंदी में लिखो एक बार, मतलब मात्राएं लगाते लगाते मूड खराब हो जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल। और सर जब देखो ऐसा माहौल चल रहा हो कि भाई प्लाज्मा की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दे रहे लोग पेशेंट में, प्रिस्क्रिप्शन के साथ रिस्क नहीं ले सकते ना। और देखो अंग्रेजी भाषा में ना डॉक्टर्स की एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है मेडिकल स्टोर वाले से कि मैं ड्राइंग करूंगा तुम दवाई दे देना। मतलब आपने कभी डॉक्टर्स को लिखते देखा है? मतलब पेन को ऐसे पकड़ते हैं जैसे पेपर को दर्द ना हो और कुछ भी लिख दे मेडिकल स्टोर वाला समझ जाता है। मतलब क्या लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी है ये? मैं क्या तुमने कहा, क्या मैंने सुना, बाकियों को घंटा समझ नहीं आया। यार एक तक मैं ये दिवाली की खुशी में ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो कोई छुपी बात नहीं है कि जो यंग जनरेशन होती है वो नशे बहुत करती है, दारू सिगरेट बाबा जी की बूटी, आजकल तो माल शब्द का डिक्शनरी में मतलब ही बदल दिया है। और हो ऐसा रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन के मुकाबले ज्यादा नशा कर रही है। द मिक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है और बताया है कि 2021 के बाद जो यूथ हैं उनमें ड्रग्स लेने का 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इसमें कोई एक ड्रग नहीं है, क्लास ए बी सी तीनों कैटेगरीज के ड्रग्स शामिल हैं, फॉर एग्जांपल मेथेडोन, कैनबिस एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। एंड यंग जनरेशन डजंट गिव अ फक, द रीजन बिहाइंड दे आर टेकिंग दीज इज लाइफ सक्स। और आजकल की जनरेशन तो कुछ ज्यादा ही नशा कर रही है। ये अपने एडिटर भाई को ले लो, इससे एक दिन मैंने पूछा कि भाई घर पे पेपर है, तो बोलता है हाँ। मैंने बोला कौन सा, अमर उजाला या हिंदुस्तान टाइम्स, कहता रोलिंग। फाइनेंस न्यूज की बात करें तो खबर कुछ अच्छी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबली रिसेशन का डर लगा हुआ है और कंपनीज बड़े लेवल पे लेऑफ्स कर रही हैं, यानी कि इंप्लॉइज को काम से निकाल रही हैं। कई सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग रुक गई है, इसलिए आपको हाल ही में ना यूनिकॉर्न बनने की खबरें उतनी सुनाई नहीं दे रही होंगी। बड़े गुड न्यूज ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में ऑटोमोबाइल सेल्स में 92% की ग्रोथ देखी गई। मतलब दिवाली के टाइम पे लोग गाड़ियां बहुत खरीद रहे हैं। कुछ थोड़ा मेरे लिए भी खरीद दो, स्प्लेंडर वगैरह कुछ ऐसा। अब थोड़ी नॉनसेंस न्यूज देख लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता ही जा रहा है। पहले 75 था, फिर 80 हुआ, अब रिसेंटली 83 हो गया है, 83, जो ठीक भी है। पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी, कोहली ने मार दी, तो रुपया किसी से कम है क्या? तो डॉलर के मुकाबले रुपए की इसी कमजोरी को लेकर किसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, टेक्निक गलत है तुम्हारी, डॉलर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. It's not you, it's me, government edition. देखो इसके बाद ना कई लोगों ने निर्मला जी को ट्रोल किया कि यार ये क्या बात हुई, ये कैसा अजीब सा स्टेटमेंट है। बट मुझे लगता है कि काफी ग्रेटिट्यूड वाला स्टेटमेंट है ये, कि आप सोचो उन्होंने एक स्टेटमेंट देके मनुष्य की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कितनी सारी। तू गरीब नहीं है, बाकियों के पास पैसे ज्यादा है, तू फेल नहीं हुआ, बस बाकियों के नंबर ज्यादा है। मेरी हाइट छोटी नहीं है, बाकी सब ज्यादा लंबे हैं। सिमिलरली तुम भूखे नहीं हो, बाकी लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं। मैं देर तक नहीं सोया, आप जल्दी उठ गए। इंटरनेट पर और भी कई अजीबो गरीब चीजें वायरल होती रहती है। आप ये स्क्रीन पर ये चप्पल देख रहे हो, गेस करो कितने की होगी? 9,000 रुपए की चप्पल है ये, आफ्टर डिस्काउंट। तेरा घर इसमें चले जाएंगा पूरा। यूगो बॉस नाम की एक कंपनी है जो चप्पल बेच रही है, कोठी बंगले वालों की है, रिलैक्सो वाले मुंह ना बनाए। और इस हफ्ते इंटरनेट पर ये ब्लू रंग की ये जो चप्पल है, ये हवाई चप्पल जो है, ये बेच रहे थे 9,000 रुपए में। हमारे यहाँ पर एक आदमी की वैल्यू उतनी नहीं है। मतलब आप देखो ये जो नीली चप्पल है ना, दिस इज द नेशनल टॉयलेट चप्पल ऑफ इंडिया। मैं इसको पहन लूं तो मेरा चलने का मन तो नहीं करने का। एक्चुअली मेरे घर पे भी एक ऐसी चप्पल है, 90 रुपए की है वो, बट जब वो चमड़े पे चिपकती है ना तो आदमी चलता नहीं है, फिर उड़ जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर से एक 14 साल की बच्ची किडनैप हो गई। उसके बाद काफी सारा ढूंढा गया, जब नहीं मिला तो एक पुलिस कंप्लेन हुई। उसके बाद पुलिस ने 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ये किडनैपर से बचकर अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई। जब पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाला तो देखा गया कि अपने घर से निकलने से लेकर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचने तक ज्यादातर जगह ये अकेली पाई गई। अभी तक नहीं समझे, ये किडनैप नहीं हुई थी, झूठ बोल रही थी। और आप रीजन सुनो, रीजन ये था कि इसकी मम्मी जो थी इसको पढ़ाई करने के लिए बहुत बोलती थी, तो ये घर से भाग गई और बाद में आकर बोल दिया कि मैं तो किडनैप हुई, और सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो ऑल थिंग्स सेड अबाउट चाइल्ड राइट्स एंड टॉक्सिक पेरेंटिंग, बट कभी कभी कान के नीचे 2-3 लगाना बुरी बात तो नहीं है। कुछ बच्चे तभी बड़े होते हैं। वो नीली वाली चप्पल इतनी मजबूत और टिकाऊ क्यों बनाई जाती है इन लोगों के लिए? अगली वाली सुनो। एक पियक्कड़ आदमी सांप के काटे जाने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा, सांप को लेकर, क्योंकि उसको काटने के बाद सांप मर गया था। हां, इंसान को काटने के बाद सांप मर गया, और सांप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कोबरा सांप था। और डिटेल सुनो, सांप ने भाई को एक बार नहीं 2 बार काटा। मतलब सोचो अगर आप एक सांप हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या धज्जियां उड़ेंगी जब आपको पता चलेगा कि काटने के बाद इंसान आपको अस्पताल ले जा रहा है। ये सही है, ये सांप मर गया, जिंदा रहता तो मिडलाइफ क्राइसिस में आ जाता। गार्डन गार्डन हो रहा है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हफ्ते की पहली पॉजिटिव न्यूज स्टोरी दरअसल एक जुगलबंदी है। ये है उज्जैन के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अनिल फिरोजिया जी, जो आजकल भाग मिल्खा भाग मोड में है, फुल वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे खूब बात हो रही है। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से एक शर्त लगी थी। दरअसल नितिन गडकरी भी एक टाइम पर ओवरवेट हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपना वजन घटाया और अनिल फिरोजिया जी इनके दोस्त हैं, तो उन्होंने शर्त लगाई अनिल फिरोजिया जी से और कहा कि इस महाशय आप एक काम कीजिए, आप अपना वजन लूज करिए और आप अपना वजन ऐसे लूज कीजिए कि आपको हर एक केजी जो आप अपना वजन लूज करेंगे उसके लिए मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 1,000 करोड़ रुपए फॉर डेवलपमेंट वर्क्स एलोकेट करूंगा। मतलब अगर 1 किलो वजन कम किया तो आपको 1,000 करोड़ रुपए मिल गए उज्जैन के लिए। तो अनिल फिरोजिया जी ने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और देखते ही देखते इन्होंने कुछ ही महीनों में 32 किलो वजन कम कर लिया। नितिन गडकरी जी को लेने के देने पड़ गए एंड दिस फ्रेंडली बैंडर एक्चुअली टर्न इनटू समथिंग सब्सटेंशियल और नितिन गडकरी जी ने 2300 करोड़ रुपए दिए हैं उज्जैन को फॉर डेवलपमेंट वर्क्स। और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट नेताज बार इतना लो सेट है कि अगर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बस वर्कआउट भी कर रहा है तो लगता है कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा, दिवाली का टाइम है, हाल ही में आप लोगों में से कई लोगों के घर पर सफाई हुई होगी और सफाई होती है जब घर में तो दिवाली के टाइम पे बहुत सारे पुराने कपड़े निकलते हैं, हमें से कई लोग इसको डोनेट कर देते हैं, कई लोग डोनेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अहमदाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया रिसाइकल्स, लोगों से पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं और ये बहुत मिनिमल अमाउंट 10 रुपए 15 रुपए में स्लम्स में यानी कि झुग्गी झोपड़ियों के बाहर लोगों को देते हैं। वैसे तो ये प्राइमरीली अहमदाबाद बेस्ड है लेकिन बाकी सिटीज में भी इनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में भी कोई पुराने कपड़े निकले हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके ऑर्गेनाइजेशन का लिंक दे दूंगा जो इनके पिकअप लोकेशंस है। स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं है इसमें, बस मुझे लगता है कि यार दिवाली का टाइम है और आपके घर के पुराने कपड़ों से किसी दूसरे के घर पर दिवाली मन जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर इनको आप पुराने कपड़े डोनेट कर पाए तो लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि यूक्रेन काफी लंबे समय से वॉर का सामना कर रहा है। रशिया ने अभी हाल ही में स्ट्राइक्स बढ़ाई हैं और ये देश काफी हद तक बर्बाद हो चुका है, वहां पर हंगर बहुत बढ़ गया है और ऐसे में वहां पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति है जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, कुलदीप कुमार, जो यूक्रेन के एक शहर में न्यू बॉम्बे पैलेस नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को लंगर बना दिया है, मतलब इस युद्ध के समय पे ये अपने रेस्टोरेंट में लगभग रोजाना 1,000 लोगों को खाना खिलाते हैं फ्री में। और ऐसा करने की वजह कुलदीप जी बताते हैं कि जब यहाँ पर हालात बहुत ठीक थे तो इन्होंने इस देश में बहुत पैसे कमाए और जब अब यहाँ पर हालात खराब हो चुके हैं तो दिस इज हिज वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगली पॉजिटिव चीज तब हुई जब एक त्योहार के टाइम पर हजारों लोगों ने एक यूट्यूबर को एक साथ सब्सक्राइब किया और उसका त्योहार मना दिया। नहीं किया क्या सब्सक्राइब? सॉरी दोस्तों, जितना अच्छा मैं आपको बता रहा हूं दरअसल दुनिया उतनी अच्छी भी नहीं है शायद। कर दो यार सब्सक्राइब, मतलब तुम्हारे भाई का भी थोड़ा फायदा होगा, इज्जत होगी, रिश्तेदारों में नाम होगा, क्षेत्र में जाएंगे, मोटिवेशन देंगे लोगों को। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सिंगल मॉम इन योर एरिया, यूजर नेम सोन पपड़ी, जैसी लोगों को काजू कतली वाली अटेंशन दोगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो हासिल होगा ही ना। यार क्या दिक्कत है यार सोन पपड़ी में, सोन पपड़ी को बहुत हेट मिलती है। सोन पपड़ी इज लाइक फेक न्यूज फॉरवर्ड होती रहती है। सोन पपड़ी पता खाने में उतनी अजीब नहीं है, एक खा लो अच्छी लगेगी, 2-3 हजम नहीं होती। दर्शन ने ट्वीट किया है, पटाखों से पॉल्यूशन होता है तो आग लगा दो ऐसे पटाखों को। दर्शन भाई बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। साहिल लेरियस, रावण में लाख बुराइयां थी पर वो कभी किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की शादी से ऑब्सेस्ड नहीं हुआ। सही बात है यार, लोग इतना खतरनाक ऑब्से। अभी ऐश्वर्या मोहन राज हैं, एक कॉमेडियन है जिनकी अभी शादी हुई है, भाई साहब लोग तो पागल हो गए। आई एम नॉट क्राइंग, यू आर क्राइंग। लोग कह रहे हैं बेटा नो वन इज क्राइंग, क्या हो गया है तुमको। इशिका ने ट्वीट किया है, क्या फायदा तुम्हारे फनी होने का जब तुमसे कोई पटनी नहीं रही। ये जानबूझ के दिया ना तुम लोग ने, ये मुझे जानबूझ के दिया गया है, पर्सनल अटैक्स हुए हैं यहाँ पर। बताता हूँ तुमको, अभी कैमरा बंद होने तो जैसी घुसंड मारूंगा ना। पुलकित कोचर ने ट्वीट किया है, आई गॉट माई ह्यूमर फ्रॉम छोटे बड़े और 9XM। छोटे बड़े 9XM में मिलीनियल्स को जरूर याद आता है, 9XM पे गाने जब चलते थे तब छोटे बड़े आते थे, वो 2 आंखों वाला और 3 आंखों वाला, और हर गाने पर उनके सेम स्टेप्स रहते थे। सबसे ज्यादा उस स्टेप बदलो होश नमीदानम, स्कूल से आते थे 1 बजे के बाद, दोपहर में 3 बजे खाना खा के 9XM लगाते थे, 9XM में बस दीवानगी चल रहा है, नीचे छोटे बड़े नाच रहे हैं। नरेंद्र ने ट्वीट किया है, नीमोताई इज अ डॉक्टर, यू आर नॉट डाइंग, एवरीवन एल्स इज जस्ट गोइंग टू लिव मोर।
गजब बेइज्जती है। उन्नति भारद्वाज ने ट्वीट किया, व्हाट इज 3 times 13 सुरूर। ओ हुजूर। तेरा 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 सुरूर। ऑन अ डेट शी सेज दोज मैजिकल वर्ड्स। बेंगलुरु गाय, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्टार्टअप, फंडिंग, ग्लोबल वेंचर, यूनिकॉर्न, बस अब तो पट गई। रानी उत्कर्ष विद अ फ्रेंड हु इज वेरी क्यूट, लुक्स लाइक टैंड वर्जन ऑफ अमित शाह, इज वॉचिंग फ्रॉम द रियल माहिष्मती नगरी। अच्छा, ये जान के मुझे सही में हैरानी हुई कि जो बाहुबली में माहिष्मती नगरी दिखाई गई थी, कई सारी ऐसी कथाएं हैं जिनमें इस नगरी का वर्णन है, और ये जो साम्राज्य था, जो माहिष्मती साम्राज्य था, उस टाइम का बहुत ही ट्रेड के मसले में एक सेंटर माना जाता था, और ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मंधाता के कहीं आसपास है। तो सर पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, बट दैट इज व्हाट आई वांट। प्रज्ञा आनंद इज वॉचिंग संडे सार्थक विद शिफ्ट प्लस डिलीट फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रंज म्यूजिक एंड स्टारबक्स। सो स्टारबक्स, इफ यू डू नॉट नो, वहां पे किडनी बेच के कॉफी मिलती है, एक कॉफी का कंपनी है, कॉफी चेन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिएटल इन वॉशिंगटन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैडम एनआरआई है, और मैं बहुत, स्टारबक्स इतना महंगा क्यों है मुझे कोई बता दो। वो एक दिन मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं स्टारबक्स में जाता हूँ, हरी चुड़ैल मेरे को बाहर से देख के भगा देती है, बाहर जाके फिर कुल्लड़ की चाय पीने पर 500 रुपए की कॉफी कौन बेचता है यार, इतने में डब्बा आता है पूरा। सॉरी इफ इट साउंडेड मिडिल क्लास, बट इट इज व्हाट इट इज। दिदार लस्कर इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी सिचुएटेड नियर बाय स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड यानी कि नदी के बीच में जो द्वीप है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इज उमानंदा क्लोज टू गुवाहाटी इन असम, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी गॉडेस पार्वती के लिए यह द्वीप बनाया था। सो दैट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच, एंड यू आर लकी टू बी लिविंग देयर। ऐसे अगर आप भी शो में फीचर होना चाहें तो रुक जाओ, कहीं जाना मत, अभी दिवाली के बारे में बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरे को प्रमोशन कर लेने दो। शो में फीचर होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है #sundaysarthak के साथ, उसे इंटरनेट पर अपलोड करना है अपनी सिटी के हिंट के साथ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिवाली। यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग त्यौहार लगता है, सब साथ में आते हैं, दुश्मन भी एक दिन के लिए गले मिलते हैं, मिठाइयां एक्सचेंज करते हैं, और ये जो सोशल गैदरिंग वाली फीलिंग है ना, दिस इज द अंडरलाइंग थीम अक्रॉस ऑल द त्योहार, और दिवाली इस फीलिंग का पीक है बिल्कुल। बस एक छोटी सी एडवाइस कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, वो यही रहेगी कि अगर आप उनमें से हैं जो पाया खोया का हिसाब नहीं रख पाए, इस दिवाली घर नहीं जा पाए, या घर जाने को पैसे नहीं है, या वर्स्ट ऑफ ऑल घर जाने को घर ही नहीं है, तो दिवाली यार किसी के साथ मनाना है ना, अपने दोस्त के साथ चले जाना, अपने कलीग के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, किसी के साथ दिवाली मनाना। क्योंकि वो पता ना कि यार जब दिवाली की रात को जब पटाखे जलते हैं ना, तो अकेले देखने में उतना मजा नहीं आता। एनीवे, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, अपना ख्याल रखना, और दिवाली की थोड़ी हमको भी विशेष दे दो, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो, बी सेफ, एंजॉय, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी दिवाली, अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए एज यूजुअल टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।